हे गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर प्रॉपर्टी बजट वीडियो। और हम आ गए हैं मनाली में और हम खड़े हैं जैन मनाली बाई की क्यू स्टे के सामने, क्योंकि स्टे की हमने एक और प्रॉपर्टी विजिट करी थी काना ताल में। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो एक और नई प्रॉपर्टी हम यहाँ पर विजिट करने आए हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर सामने, ये पूरा का पूरा जो होटल है वो बना हुआ है। और अगर आप इस साइड देखोगे तो इनके कॉटेजेस बने हुए हैं। बैक साइड में थोड़ा सा गार्डनिंग एरिया है। तो सबसे पहले चलते हैं रिसेप्शन एरिया की तरफ। यहाँ पर आप देखोगे तो साइड में एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, इसमें बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक बहुत सी बड़ा एप्पल का पेड़ लगा हुआ है। तो ये पूरा रिसेप्शन एरिया बना हुआ है। और इसके इस साइड में ये पूरा डाइनिंग एरिया बना हुआ है। तो यहाँ बैठ के आप अपना लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ से आपको पूरा जो वैली का व्यू है, गार्डन व्यू है, वो सारा का सारा व्यू देखने को मिलता है। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं यहाँ के कॉटेज एरिया में। और मेरे पीछे देख रहे हो, ये यहाँ पे कॉटेज बना हुआ है। इस कॉटेज के अंदर 3 रूम है। चलिए आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो इस कॉटेज के अंदर सबसे पहले हमें इस तरह का लिविंग एरिया मिलता है। यहाँ बैठ के आप टीवी वगैरह एंजॉय कर सकते हो। ये कॉमन एरिया है। इस कॉटेज के अंदर 3 रूम है जिनको आप अलग अलग भी बुक कर सकते हो, या और अगर आप 3 कपल या 3 फैमिलीज के साथ आ रहे हो तो आप एक साथ भी इनको बुक कर सकते हो। तो इस तरह का बड़ा सा सोफा यहाँ पे डाला हुआ है, टेबल वगैरह रखी हुई है, गेम्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टीवी वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। इसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर 2 रूम्स हैं, और इस तरह के 2 रूम्स यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अगेन आपको एक कॉमन एरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ बैठ के आप लोग इंजॉय कर सकते हो। बाहर यहाँ से पूरा गार्डन का आपको व्यू मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम रूम में। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ ब्यूटीफुल सी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। रूम के अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले इस तरह का ये किंग साइज बेड मिलता है, और दोनों साइड इस तरह से साइड टेबल्स लगी हुई हैं और ब्यूटीफुल से लैंप लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो पेंटिंग्स लगी हुई हैं वॉल के ऊपर दोनों साइड, जो काफी ब्यूटीफुल इसको लुक देती हैं। यहाँ पर आपको इस तरह के 2 सोफे मिल जाएंगे, एक यहाँ पर टेबल मिलती है, चाय कॉफी बनाने के लिए सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं, केटल वगैरह यहाँ पर रखी हुई है। और आपको यहाँ पर इस तरह सी एक बड़ी सी विंडो मिलती है। यहाँ से आप देखोगे तो काफी जबरदस्त यहाँ से लुक रहेगा पहाड़ का पूरा जो वैली व्यू है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप सामने देखोगे तो चेरी के और एप्पल के यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। तो अगर आप विंटर वगैरह में आते हो तो आपके लिए नज़ारा इतना जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि पूरा व्हाइट व्हाइट रहेगा। और अगर आप जुलाई अगस्त में आओगे तो लिटरली आपको यहाँ पर एप्पल पेड़ों में लगे हुए मिलेंगे। यहाँ साइड में आते हैं तो आपको इस तरह से अलमारी मिलती है, कपड़े वगैरह आप इसमें रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप कपड़े टांग भी सकते हो। आपको इस तरह से यहाँ पर एक बड़ा सा मिरर देखने को मिलता है। अच्छा, हीटिंग के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपके कंफर्ट में कोई भी कमी नहीं आएगी। अब मैं आपको यहाँ का बाथरूम दिखाता हूँ। तो इसमें आपको इस तरह का बाथरूम मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर क्लॉथ्स वगैरह रखने के लिए एरिया बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर गीजर वगैरह लगा हुआ है, इस तरह का कमोड लगा हुआ है, और शावर एरिया ये रहा। बाकी शैम्पू साबुन सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो एक हेयर ड्रायर लगा हुआ है, और इस तरह का आपको मिरर मिलेगा। तो गाइस, इसके साइड में सेम इसी तरह का रूम है, बट इसमें जो विंडोज हैं वो आपको 2 मिल जाएंगी, और आपको डुअल व्यू मिलेगा। यहाँ से सेम व्यू है, वो जो बैली वाला व्यू है आपको यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से आपको बैली वाला व्यू मिलेगा, प्लस जो यहाँ पे आसपास गार्डन बना हुआ है उसका व्यू भी यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जो रूम का साइज है, रूम के अंदर जो सामान वगैरह है वो आपको सारा का सारा सेम मिलेगा। बाथरूम भी इसका सेम तरीके का ही बना हुआ है। इसका जो एक रूम है वो ऊपर बना हुआ है, इसके लिए आपको इन सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। तो गाइस, हम आ गए यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कॉमन एरिया है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बाद में सबसे पहले रूम देखते हैं यहाँ का। तो गाइस, जैसे ही आप रूम में आओगे सबसे पहले तो नज़ारा बड़ा ही शानदार है। बात करें रूम के अंदर के एमिनिटीज की, तो सबसे पहले इस तरह का किंग साइज बेड मिलता है, वही साइड टेबल है, लैंप वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पर सामने देखोगे तो ब्यूटीफुल सी पेंटिंग लगी हुई है। यहाँ साइड में आएंगे तो हमें डुअल सोफा मिल जाता है, सिंगल सिंगल। और यहाँ पर चाय वगैरह के लिए सारे सामान मिल जाते हैं, केटल वगैरह है। और यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सी विंडो है, यहाँ से आप देखोगे तो आपको गार्डन व्यू मिलेगा। इसके बाद साइड में यहाँ पर एक और विंडो दी गई है। यहाँ का जो व्यू है वो सबसे शानदार है, यहाँ से आप देख सकते हो आइस जो है वो जमी हुई दिख रही है क्लियर कट। और अभी हम है अप्रैल में। गाइस, यहाँ पर ऊपर एक और कॉमन एरिया बना हुआ है। ये जो कॉमन एरिया है ऊपर का और नीचे का, ये सिर्फ इस कॉटेज वालों के लिए है। तो जो अगर कोई दूसरे रूम्स में यहाँ पर रुका हुआ है वो इस कॉमन एरिया को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इस तरह के हमें गेम्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर आओगे तो ये वाला जो गेम है वो आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ये वाला गेम है, इसको शायद मिनी फुटबॉल बोलते हैं, तो इसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हो और इसको इंजॉय कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इस तरह का सोफा लगा हुआ है, इस पर आप बैठ के इंजॉय कर सकते हो। और अगेन साइड में एक और सोफा दिया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर छोटी मोटी अपनी पार्टी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के ड्रिंक वगैरह भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ से आप व्यू देखोगे तो आपको शानदार व्यू दिखेगा वैली का,
और प्लस गार्डन व्यू है वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये जो कॉटेजेस के रूम है आप सिंगल बुक कर सकते हो और मल्टीपल लोग आ रहे हो तो तीनों रूम आप बुक कर सकते हो, बट ये रूम सिर्फ पैकेजेस में ही बुक होंगे। तो आई थिंक 20,000 के आसपास इसका पैकेज है 3 दिन का, तो पर रूम 20,000, और अगर आप 3 रूम बुक करते हो तो आपको 3 पैकेज लेने पड़ेंगे। तो इसमें आपको इस पूरे कॉटेज का एक्सेस मिलता है, साथ में अभी हमने जो आपको टेरेस एरिया दिखाया उसका 1 दिन का आपको एक्सेस मिल जाएगा, वहां पर आप पार्टीज वगैरह कर सकते हो। इस पैकेज में आपका फूड भी इंक्लूड होता है लाइक ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो आपको काफी अफोर्डेबल पड़ जाएगा क्योंकि आपको 7,000 के आसपास पड़ेगा 1 दिन का, और आपको काफी लग्जरी एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस आपको इतना सारा स्पेस मिल रहा है एंजॉय करने के लिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो गाइस हम कॉटेज से निकल के साइड में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो बॉनफायर एरिया है वो बना हुआ है, और आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा यहाँ पर बैठ के हमने एंजॉय किया था। तो इवनिंग में या नाइट में आप स्टाफ को बोल के यहाँ पर बॉनफायर वगैरह करवा सकते हो और अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो, ड्रिंक वगैरह भी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। बॉनफायर एरिया के आप साइड में जाओगे तो इस तरह का आपको छोटा सा गार्डन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर भरपूर जो एप्पल के पेड़ हैं वो लगे हुए हैं, इसके अलावा चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर हो सकता है। हालांकि ये जो गार्डन एरिया है ये इस वाले होटल का पार्ट नहीं है, बट स्टिल आप यहाँ पर आ सकते हो आराम से घूम सकते हो। तो अभी हम आ गए हैं 2nd फ्लोर पर, और आप देख रहे हो इस तरह की लॉबी, यहाँ पर लंबी सी लॉबी है और यहाँ पर इस तरह की लॉबी है, और ये सारा का सारा व्यू आपको यहाँ से मिलता है। सामने आप देखोगे तो व्हाइट माउंटेंस आपको दिख जाएंगे। और बात करें रूम की तो अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ का जो डीलक्स रूम है उसके सामने, चलिए रूम के अंदर चलते हैं। तो आपको इस तरह का यहाँ पे डीलक्स रूम मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं बेड की, तो इस तरह का आपको किंग साइज बेड मिल जाएगा। बेड के दोनों साइड यहाँ पे आप देखोगे तो साइड टेबल्स लगी हुई हैं, इस तरह के साइड लैंप हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो ब्यूटीफुल सी पेंटिंग लगी हुई है। और आप यहाँ से व्यू देखोगे तो आपको पूरा ये वैली का व्यू मिलता है, लंबे लंबे पेड़ ग्रीनरी वाले पेड़ हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह की एक चेयर डली हुई है, और यहाँ पर एक टेबल है, और यहाँ पर चाय कॉफी का तरह का सारा सामान आपको दिख जाएगा, केटल वगैरह यहाँ पर लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर ये टीवी लगी हुई है, यहाँ पे कपड़े वगैरह टांगने के लिए इस तरह का एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप अपने कपड़े टांग सकते हो। तो गाइस इसमें हमें इस तरह का बाथरूम मिलता है, सबसे पहले यहाँ पर कमोड लगा हुआ है, ऊपर आपको गीजर वगैरह मिल जाएगा, ऊपर यहाँ पर शावर वगैरह लगा हुआ है, और सारी सारी जो चीजें होती हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगी। तो गाइस अब हम आ गए यहाँ के सुपर डीलक्स रूम में। तो रूम के अंदर जैसे आप एंट्री करोगे इस तरह का आपको कवर्ड मिल जाएगा कपड़े वगैरह रखने के लिए, इसके बाद नीचे यहाँ पर ड्रॉअर वगैरह लगा हुआ है, इसके नीचे आप जाओगे तो इस तरह का स्पेस मिल जाएगा आपको सूटकेस वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे आगे हमें एक मिरर मिल जाता है, और आगे जाओगे तो इस तरह का एक स्पेस बना हुआ है सूटकेस वगैरह रखने के लिए, चाय वगैरह कॉफी बनाने के लिए सारी चीजें यहाँ पर रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं तो आपको इस तरह का एक किंग साइज बेड मिलता है, ऊपर देखोगे तो ब्यूटीफुल सी पेंटिंग लगी हुई है, और इसके दोनों साइड आप देखोगे तो इस तरह के जो साइड टेबल्स हैं वो रखी हुई हैं, और इस तरह की ब्यूटीफुल सी लैंप रखे हुए हैं जिनको आप इस तरह से जला सकते हो, रात में इनका यूज कर सकते हो। इस तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर ये 2 सोफा मिल जाते हैं बैठने के लिए, और इस तरह की एक सेंटर टेबल मिलती है। यहाँ का आप व्यू देखोगे तो कुछ इस तरह का आपको व्यू मिलता है, पूरा का पूरा जो वैली व्यू है वो मिल जाता है, और अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो जो आइस वाले माउंटेन है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नीचे ये पूरा का जो गार्डन है ये एप्पल ट्रीज यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अभी हम आ गए हैं टेरेस एरिया पर, तो सबसे पहले तो टेरेस एरिया से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, कितना शानदार व्यू है, पूरे का पूरा ग्रीन पहाड़ आपको यहाँ से दिख जाएगा, और अगर आप विंटर में आते हो तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी बर्फ दिखने वाली है। अच्छा ये जो टेरेस एरिया है ठीक है, यहाँ पर आपने हमारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि हमने अपना जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है वो यहीं पे किया था, तो आप भी कुछ इस तरह से पार्टीज वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, अपना कोई भी सेलिब्रेशन यहाँ पे कर सकते हो। अभी सेटअप नहीं हुआ है, ये ऑन डिमांड सेटअप किया जाता है, और सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये इस तरह का प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ से मूवीज वगैरह सॉन्ग्स वगैरह वो आप सुन सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। इसके बाद इस तरह के ये डेकोरेशन पीसेस हैं जो यहाँ पे लगाए जाते हैं, लाइट्स वगैरह यहाँ पे लगाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे ठंड भी रहती है तो उसके लिए ये भी इंतजाम किया गया है ताकि हीटिंग भी यहाँ पर होती रहे। इसके साथ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी मिलेगा, एक नॉर्मल ब्लैंकेट भी मिलेगा जिससे ठंड भी नहीं रहे और आपके इंजॉय में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है सेंट्रल मनाली में पड़ती है, और जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो यहाँ से नजदीक पड़ते हैं। अगर आपको मॉल रोड जाना है तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पर जा सकते हो। इसके बाद अगर आपको हिडिम्बा टेम्पल जाना है या बेस रिवर जाना है तो दोनों ही वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आपको अंजनी महादेव जाना है या स्नो एक्टिविटी के लिए आपको रोहतांग साइड जाना है या सिसु जाना है वो रास्ता भी आप यहीं से पकड़ सकते हो। यहाँ से 200 मीटर की डिस्टेंस पर फ्लाई डाइनिंग मनाली रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर हाइट पर ले जाकर लंच एंड डिनर कराया जाता है, तो वो एक्टिविटी भी आप यहाँ पर रहकर कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी से आपको माउंटेन व्यू मिलता है, इवन स्नो भी आपको माउंटेन के ऊपर दिख जाएगी,
और यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है, एप्पल के गार्डन भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अब बात करते हैं किस तरह का फूड यहाँ पर मिलता है, तो काफी टेस्टी और डिलीशियस फूड ये लोग सर्व करते हैं। सारा सारा वेज ऑप्शन रहता है, आपको कोई भी नॉन वेज फूड यहाँ पर नहीं मिलेगा। फूड को आप रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हो या अपने रूम वगैरह में ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पर बुफे सिस्टम नहीं है, तो ऑन डिमांड फूड आप जो भी ऑर्डर करोगे वो आपको सर्व किया जाता है। इनका एक पहले से प्रीसेट मेन्यू रहता है। ड्रिंक्स या अल्कोहल की बात करें तो प्रॉपर्टी के अंदर तो कोई भी अल्कोहल ड्रिंक आपको नहीं मिलेगी, बट आप बाहर से लाकर अपनी ड्रिंक यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। मैं 4-5 दिन यहाँ रहा हूँ और यहाँ का जो स्टाफ है वो काफी हेल्पफुल है, काफी पोलाइट है, तो स्टाफ का बिहेवियर मुझे काफी अच्छा लगा। दोस्तों अगर आप मिड रेंज में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो लाइक 3-5 के, तो आप इनके डीलक्स रूम या सुपर डीलक्स रूम बुक कर सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा लग्जरी में जाना चाहते हो तो आप इनके कॉटेजेस वाले रूम बुक कर सकते हो, बट वो सिर्फ आपको पैकेजेस में मिलेंगे, जिसका रेंट आपको 7,000 रुपीज पर डे के हिसाब से पड़ेगा। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर काफी अच्छा रहा, मैंने 4-5 दिन यहाँ पर स्पेंड। बाकी अगर आप लोगों कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेश्चंस हैं इस प्रॉपर्टी को लेके, तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।